नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश और आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। आगरमालवा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक मनोहर ऊंटवाल का निधन हो गया है। मनोहर ऊंटवाल आगरमालवा से भाजपा विधायक थे। मनोहर ऊंटवाल को ब्रेन हेमरेज के बाद दिल्ली में भर्ती कराया गया था। दिल्ली के मेदांता हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। मनोहर ऊंटवाल के निधन के बाद मध्य प्रदेश में एक और विधानसभा सीट खाली हो गई है। आपको बता दें, मनोहर ऊंटवाल का जन्म 19 जुलाई 1966 को हुआ था। 2014 के लोकसभा चुनाव में देवास संसदीय सीट से सांसद भी चुने गए थे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं। प्रभात जी, मनोहर ऊंटवाल जी के निधन से जो है क्षति हुई है, उसे किस तरह से देखते हैं आप? देखना क्या है, न जाने की उम्र में अगर कोई चला जाता है जी, मन बहुत भारी होता है। जाने की उम्र में कोई जाए तो जी मन उदासित भले ही हो जी, लेकिन मन भारी नहीं होता है जी। मनोहर ऊंटवाल जी की जाने की उम्र नहीं थी जी, अभी तो भारत माता की सेवा करने की उम्र थी। बहुत छोटी उम्र में चले गए, लेकिन वाल्मीकि समाज का ये अनमोल हीरा जो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से समाज के बीच में आया था, बहुत सेवा कर रहा था विधायक के रूप में, मंत्री के रूप में, सांसद के रूप में जी। लेकिन आज विश्वास नहीं हुआ जब मैंने सुना, बीच में एडमिट थे, ऑपरेशन हुआ, सब लोग गए देखे, सब ने सांत्वना दी कि नहीं ठीक होकर आओगे, लेकिन ईश्वर को मंजूर नहीं था। और आप भी जानते हैं, जगत जानता है जी, कि जग के सामने, भगवान के सामने जी सब कुछ झुकना पड़ता है। हम जग को जीत सकते हैं, लेकिन भगवान को जी दिए गए उनके जो कार्य हैं जी, कार्य पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, हम सबको स्वीकार ही करना पड़ता है जी। उनका जाना हमारे लिए, दल के लिए, राष्ट्र के लिए, संगठन के लिए, समाज के लिए बहुत बड़ी क्षति जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा के लिए प्रभात जी। हम आपको बता दें कि 2018 के विधानसभा चुनाव में मनोहर ऊंटवाल को भाजपा ने आगर मालवा से टिकट दिया था। मनोहर ऊंटवाल भाजपा के कद्दावर नेता थे, वो शिवराज सरकार में मंत्री भी रहे।